मैं आपका स्वागत है चैनल पर मिस्टर एमडी है। मैं आपको इसमें आज बताऊंगा कि आप सीसीटीवी कैमरे को टीवी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसी के साथ यानी कि सेटअप बॉक्स भी उसके साथ मैं आपको कनेक्ट करना दूंगा, यानी कि आपको सीसीटीवी कैमरा, एलईडी टीवी और सेटअप बॉक्स तीनों एक साथ ही मैं आपको कनेक्ट करना बताऊंगा। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो आप सीसीटीवी कैमरा की आप रिकॉर्डिंग आपके टीवी या टेलीविजन पे देख सकते हैं, और जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे तो आपको सेटअप बॉक्स की जो भी आप चैनल देखना चाहते हैं तो आपका देख सकते हैं, सेटअप बॉक्स ऑन हो जाएगा। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, चलिए अब शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आप देख सकते हैं टीवी और सेटअप बॉक्स में तीन तीन पिनें लगती है, येलो वाली, वाइट वाली और रेड वाली। देख सकते हैं लेफ्ट वाली है, ये राइट वाला, ये स्पीकर के वायर है दोनों, और ये वीडियो वाला वायर है। देख सकते हैं तो हमें खाली ये वीडियो वाला वायर चाहिए। देख सकते हैं मैं आपको आगे कनेक्शन बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वही येलो वाली केबल है जो सेटअप बॉक्स और टीवी के अंदर लगती है, ये वाली केबल है। मैंने ये दूसरी ली है क्योंकि मैं वो वाली केबल ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वैसी ही दूसरी केबल ले लिया जिसके अंदर येलो वाली निकाल लिया। पर इसके अंदर ये दिक्कत है कि ये वाली पीछे से आप देख सकते हैं ये ख़राब हो रखी है, देख सकते हैं यहाँ से टूटी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये वाली साइड है ना, दूसरी वाली साइड, तो इसको यहाँ से हटा दूँगा। तो ये वाली पिन हट गई, तो अब क्या करना है, अगर आपके पास ये वाली पिन सही हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये वाली ख़राब थी तो मैं क्या करूँगा, ऐसी ही एक पिन ले लूँगा। देख सकते हैं ये वैसी ही पिन है बिल्कुल, और इसके अंदर सिंपल कलर का वो है फ़र्क। अब सिंपली आपको करना क्या है, पीछे से इसको कट कर लेंगे हम। देख सकते हैं मैंने ये वाली केबल ले लिया और इस कट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं मैंने ये कट कर लिया है, ये येलो और ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला वायर है, और दूसरी वाली केबल है जिसका ये वाली ये नेगेटिव वाला है और ये वाला पॉजिटिव वाला वायर है। अब ये पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव वाले वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर टेप से अच्छी तरह रैप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव वाले वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। अब सिंपली आपको लेना है सीसीटीवी कैमरा। अगर आप ये पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीसीटीवी कैमरे को आप टीवी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या एलईडी टीवी से। अगर आप नई वीडियो देखिए तो पर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। सिंपली ये देख सकते हैं मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर ही बता दिया था आपको। ये देख सकते हैं 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर का है, ये अंदर वाला है, ये अंदर की साइड है, जो ये पॉजिटिव वाला है अंदर की साइड, और ये बाहर वाला ये नेगेटिव वाला है, और ये है जिसके अंदर वीडियो वाले केबल है, ये वाला पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। देख सकते हैं ये वायर मैंने बड़ा कर लिया, और ये ब्लू वाला मैंने नेगेटिव वाले वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये येलो वाला पॉजिटिव वाले से। और अब करना है, अभी मैं इसको साइड में करता हूँ, और ये वाली केबल हमने जो पहले बनाई थी और ये कनेक्शन रह गया था ना, तो अब करना क्या है, जो सीसीटीवी कैमरे के थे ना पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, उसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं नेगेटिव वाला वायर है, तो ये हमने वो केबल बनाई थी उससे कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं वही वीडियो वाला केबल है, और हमें इस केबल से कनेक्ट कर देंगे। ये सीसीटीवी कैमरे का आ गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वायर देख सकते हैं आप, और ये आ गया है, ये टीवी के अंदर कनेक्ट होगा, और एक ये वाला सेटअप बॉक्स के अंदर कनेक्ट होगा। सिंपली अब मैं इनको टेप से अच्छी तरह ऐप कर दूंगा। मैं आपको सिंपली देख सकते हैं एक वायर यहाँ पर आ रहा है, एक वाला वायर ये यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं दोनों कनेक्ट हो गए हैं, और ये आ रहा है सीसीटीवी कैमरे से ये वाला वायर, और ये वाली केबल एक सेटअप बॉक्स में लग जाएगी, एक टीवी के अंदर लग जाएगी, और ये कैमरे के कनेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपको लेना है ये कैमरा, और जिसके अंदर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है, एक या डेढ़ एम्पियर दे सकते हैं आप। मैं डेढ़ एम्पियर करंट दूंगा इसमें 12 वोल्ट। देख सकते हैं ये कनेक्टर है, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा,
ये वाला नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है। अब मैं इसको चार्जर से कनेक्ट कर दूंगा इसको। अब हमें लेना है एक स्विच, आपको लेना है एक स्विच लेना है आपको, देख सकते हैं स्विच है, ऑन ऑफ वाला स्विच है। इसकी जगह आप छोटा वाला स्विच भी ले सकते हैं। अब सिंपली मैं इसको स्क्रू खोल लूँ, अब आपको लेना है कैमरा वाले वायर थे ना ये दोनों, देख सकते हैं, तो मैं येलो वाला वायर ले लूँगा और इसको इतना सा काट लूँगा, बीच में से काट लूँगा। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों वायर काट लिए हैं। बस इसको ऐसे यहाँ पे एक साइड हम ऐसे वायर को कनेक्ट कर देंगे। और ये दूसरी साइड एक ये वाला वायर, वो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है। ये स्विच हमारे ये काम आएगा कि हम जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो हमारा टीवी चलेगा और इसको ऑन करेंगे तो हमारा सीसीटीवी कैमरा चलेगा। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगा। अब आपको ये येलो वाली केबल है जो टीवी में लग रही है और निकालनी नहीं है, देख सकते हैं ये येलो वाली। अब आपको ये वाली जो हमने केबल बनाई थी जिसके अंदर एक वीडियो वाली केबल थी जो कैमरा और सेट बॉक्स से कनेक्ट होगा, वाली हम टीवी के अंदर लगा देंगे। एक देख सकते हैं एक लगा दी हमने। अब हम एक सेट बॉक्स में लगाएंगे, देख सकते हैं ये वाली है जो हम सेट बॉक्स के अंदर लगाएंगे। सिंपली आप देख सकते हैं सेट बॉक्स है जिसके अंदर ये ऑडियो केबल है और ये वीडियो वाला केबल है, तो इसको हम निकाल लेंगे। जो हमने दूसरी वाली वीडियो केबल है जो सीसीटीवी कैमरा और टीवी से कनेक्ट है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं मैं ये वाला हमने ये केबल बनाई थी, अब इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस जगह। बस अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। आपको सिंपली जाना है ए वी पे जाना है आपको। अब आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये अभी टीवी चल रहा है, आप देख सकते हैं अभी ये टीवी चल रहा है, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको कैमरा कनेक्ट करके बताता हूँ। नहीं ये है चार्जर है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है ये चार्जर, ये मैंने कैमरे से कनेक्ट कर दिया है। और ये देख सकते हैं स्विच है, मैंने पहले ऑफ कर रखा था क्योंकि जब यानी कि वो सेट बॉक्स से कनेक्ट था तो इसको ऑफ कर रखा था। अब मैं इसको ऑन कर दूंगा, पहले मैं इसको इसका चार्जर हटा दूंगा सेट, देख सकते हैं मैं सेट बॉक्स से इसका चार्जर हटा दूंगा। अब मैं है ना ये सीसीटीवी कैमरे वाला चार्जर इसको कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है। अब मैं ये वाला स्विच है ना ये हमने कनेक्ट किया, इसको ऑन कर दूंगा। अब मैं इसको चार्जर को भी ऑन कर दूंगा, अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी फोटो आ रही है इसके अंदर, ये देख सकते हैं इसी कैमरे की, आप देख सकते हैं आप इसके अंदर, ये देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट कैमरा है क्योंकि इसके अंदर क्या है थोड़ी खराबी कभी था, इसमें कलर आ जाता है जो ब्लैक एंड वाइट आ जाता है, इसके अंदर अच्छी क्लैरिटी आती है। देख सकते हैं इसके अंदर कलर आ गया क्योंकि इसका इस कैमरे के अंदर थोड़ी खराबी, इसलिए इसका कलर चल जाता है, देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।